हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखा मैंने जिसको बोलते हैं स्लैंग वर्ड्स। स्लैंग वर्ड्स इसके बारे में कभी आपने सुना होगा किसी भी मूवी में या इंग्लिश मूवी में या किसी को बोलते हुए भी आपने कभी सुना होगा। गिमी, लेमी, गोना एंड वाना, इनका इस्तेमाल, इसका मतलब क्या होता है और इनका इस्तेमाल हम सेंटेंस में इंग्लिश बोलते वक्त कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम बोलते हैं स्लैंग वर्ड्स। ओके, फॉर्मली हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर्मली मतलब ऑफिशियली लिखते वक्त इसका हम इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते हैं। ज़्यादातर इसको हम बोलचाल में अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये वर्ड्स क्या काम करता है, हमारी फ्लुएंसी को बढ़ाता है। जब भी हम इंग्लिश में बोलते हैं कुछ और इन वर्ड्स का मदद लेकर हम बोलते हैं अगर, तो हमारी फ्लुएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, और किस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में वो आज हम सीखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे गिमी। गिमी ये दो शब्दों का कॉन्ट्रैक्शन है, गिव और मी का। गिव और मी दोनों मिलते हैं फिर गिमी बन जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गिव मी का बिगड़ा हुआ रूप गिमी है। बिगड़ा हुआ है मीन्स लैंग्वेज में भी बिगड़ते बिगड़ते कुछ और एक शब्द बन जाता है और ऐसे ही बनते रहते हैं शब्द और उसका इस्तेमाल लोग शुरू कर देते हैं, फिर वही शब्द राइट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो गिमी, गिव मी मतलब गिव मी को लोग बोलते बोलते गिव मी गिव मी गिव मी करते करते गिमी बोलने लग गए। मतलब पूरा एक्यूरेट गिव और मी अलग अलग नहीं बोल के एक साथ बोलने लग गए गिमी। ओके, तो दोनों का कंट्रक्शन है गिमी। ओके, तो गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। अब गिव मी को हम मिलाकर गिमी भी बोल सकते हैं और गिव मी योर बुक। अब इसको बोलने से हमारी फ्लुएंसी बढ़ी हुई लगती है कि नहीं लगती है, मीन्स अगर हम गिव मी योर बुक बोलते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, गिव मी योर बुक बोलते हैं तो ये कम टाइम लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये फ्लुएंसी को बढ़ाने में मदद करती है। दूसरा सेंटेंस है गिव मी अ कप ऑफ टी, मीन्स गिव मी अ कप ऑफ टी। हम बोलते हैं मुझे कप चाय दो, तो गिव मी अ कप ऑफ टी। इसको अगर हम बोलते हैं गिव मी अ कप ऑफ टी तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन इसको हम अगर ऐसे बोलते हैं कि गिव मी अ कप ऑफ टी तो इसमें थोड़ा जल्दी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी फ्लुएंसी को बढ़ाता है और आजकल ज़्यादातर ये यूज़ होने लगा है। ओके फ्रेंड्स, तीसरा है गिव मी दैट वन, मुझे वो वाला देना। हम इशारा करके बोलते हैं ना किसी को कि मुझे वो वाला देना, तो गिव मी दैट वन। इसको हम बोलते हैं गिव मी दैट वन, गिव मी दैट वन, गिव मी दैट वन। दोनों में आपको फ़र्क बोलने से ही समझ में आता होगा कि गिव मी दैट वन बोलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है और गिव मी दैट वन बोलने में थोड़ा कम टाइम लगता है। यानी कि साफ पता चल रहा है कि फ्लुएंसी बढ़ती है और बोलने में सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से गिमी का इस्तेमाल हुआ। अब हम सीखेंगे लेमी का इस्तेमाल। लेमी लेट और मी का कॉन्ट्रक्शन है, तो लेट और मी को मिलाकर लेमी बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो, मुझे वहाँ जाने दो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेमी गो देयर, लेमी गो देयर। ओके फ्रेंड्स, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस। ओके फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखना कि इसका फॉर्मली यूज़ नहीं होता है। जैसे हम ऑफिस में किसी को लेटर लिख रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं या कहीं भी, इस तरह से ऑफिशियली या फॉर्मली यूज़ नहीं होता। सिर्फ एक कन्वर्सेशनल वर्ड्स है ये, इसको हम कन्वर्सेशन में ही यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। लेट मी सीट ऑन दिस चेयर, मुझे इस कुर्सी पर बैठने दो, तो लेट मी सीट ऑन दिस चेयर, मुझे इस कुर्सी पर बैठने दो। ओके फ्रेंड्स, तो हो गया गिमी और लेमी, दो शब्द हो गए। अभी तीसरा वर्ड है गोना और वाना। गोना, गोना किसका कॉन्ट्रक्शन है, गोइंग प्लस टू। गोइंग प्लस टू जब भी हम लिखते हैं तो वहाँ पर गोना बनता है, दोनों को मिलाकर। ओके फ्रेंड्स, लेकिन एक बात याद रहे कि जिस सेंटेंस में सिर्फ गो ही वर्ब हो, उसके बाद कोई दूसरा वर्ब ना हो, फिर हम वहाँ पर गोना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। ओके, तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं आई एम गोना दिल्ली,
ये रॉन्ग होगा। आई एम गोना डेली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ गोइंग ही वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हम गोना का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ यही सेंटेंस चलेगा। गोना का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब गोइंग प्लस टू दोनों का कॉन्ट्रक्शन हो और उसके बाद कोई दूसरा वर्ब हो। जैसे अगर हम लिखते हैं आई एम गोइंग टू मीट हिम, तो इसको हम लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू मीट हिम, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं आई एम गोना मीट हिम, क्योंकि यहाँ पर गोइंग टू आया, उसके बाद ये दूसरा वर्ब आ रहा है मीट। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम यहाँ पर गोना लिख सकते हैं, गोना मीट हिम। अगर यहाँ पे मीट नहीं होता तो हम डायरेक्ट गोना नहीं लिख सकते थे, सिर्फ यही पे गोना आई एम गोना टू हिम, मैं उसके पास जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू हिम बोलेंगे, ना कि आई एम गोना टू हिम, ऐसा नहीं बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी गोइंग टू के बाद कोई तीसरा वर्ब दूसरा वर्ब आता है, जब भी गोइंग टू के बाद कोई दूसरा वर्ब आता है तभी हम उसी सूरत में खाली आई एम गोना लिख सकते हैं, आई एम गोना मीट हिम। ओके फ्रेंड्स, या हम इसको हम फ्यूचर टेंस के हिसाब से भी बोल सकते हैं, जैसे कि आई विल मीट हिम, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका एक और अर्थ भी होता है कि आई एम गोइंग टू मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला हूँ। ओके, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मैं उससे मिलने वाला हूँ, या मैं उससे मिलूँगा, ये तीनों का तीनों सही है, हम तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसके लिए हम एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं यहाँ पर, आई एम गोना मीट हिम। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया गोना, गोना का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। एक बात याद रखना आप कि गोइंग के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब नहीं आ रहा है तो वहाँ पर हम गोना नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते हम गोना। ओके फ्रेंड्स, जब गोइंग के बाद दूसरा वर्ब आ रहा है, जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, इस तरह से अगर सेंटेंस बोलते हैं तब उसको हम आई एम गोइंग टू मीट यू, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इस तरह से हम अगर बोलेंगे तभी हम उसको बोल सकते हैं कि आई एम गोना मीट यू, आई एम गोना प्ले क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, वरना अगर इसके बाद कोई वर्ब नहीं आता है तो आई एम गोना नहीं बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी है वाना, ये जो वाना है, वाना वांट प्लस टू या वांट प्लस ए, इन दोनों का कॉन्ट्रक्शन है वाना। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं कि मैं आई वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई वाना मीट यू। ओके फ्रेंड्स, आई वॉन्ट अ पेन, तो इसको हम लिख सकते हैं आई वाना पेन, आई वाना पेन। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर ऐसा हो कि ही वॉन्ट्स टू मीट यू, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखते हैं कि ही वाना मीट यू, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि जब यहाँ पर वॉन्ट्स आ जाता है, वॉन्ट्स वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है वो आ जा रहा है, जिस सेंटेंस में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और उसमें एस आई एस लगा हो, तो उसे हम वाना करके नहीं बना सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि ही वाना मीट यू, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बल्कि हमें सिर्फ यही बोलना होगा कि ही वांट्स टू मीट यू। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही सूरत में हम वाना लिख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ जैसे तुम वहाँ जाना चाहते हो तो यू वांट टू गो देयर, यू वाना गो देयर बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तो हम ऐसा कह सकते हैं दे वाना प्ले क्रिकेट। ओके, तुम पानी चाहते हो, यू वॉन्ट वाटर, हम बोल सकते हैं यू वॉन्ट वाटर। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम वाना का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आज का स्लैंग्स वर्ड्स जिमी लेमी गोना एंड वाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है हमारे चैनल से, तो आप
वीडियो देखते वक्त हमारा वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, और अभी तक अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि कोई भी वीडियो मिस किए बगैर आप इंग्लिश सीख सके। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।